13 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे MPATGM वेपन सिस्टम भी कहते हैं। इसे आसानी से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। यह हथियार इतना घातक और सटीक है कि इसके निशाने से दुश्मन के टैंक का बचना नामुमकिन है। MPATGM वेपन सिस्टम पूरी तरह स्वदेश निर्मित हथियार प्रणाली है, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डेवलप किया है। रक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक MPATGM सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर, टारगेट अचीवर डिवाइस और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल है। ये मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की पलक झपकते ही धज्जियां उड़ा सकती है। MPATGM मिसाइल के सारे ट्रायल पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में इसे मुख्य युद्धक टैंकों में तैनात किया जाएगा। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसका वजन 14.50 किलोग्राम है, जबकि लंबाई 4.3 फीट है। मिसाइल को दागने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। मिसाइल की रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है। मिसाइल में टेंडम चार्ज हीट और पेनेट्रेशन वॉरहेड लगा सकते हैं। टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक यानी हीट वेपन सिस्टम अत्याधुनिक एरा कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को आसानी से भेज सकता है। इसका मतलब है आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन MPATGM एंटी टैंक मिसाइल से बच नहीं सकता। MPATGM के सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और सेना की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में आत्मनिर्भरता हासिल करने और महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि MPATGM हथियार प्रणाली अब तक हर परीक्षण में खरी उतरी है। 13 अप्रैल को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज PFFR में भी इसका शानदार प्रदर्शन रहा है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक MPATGM वेपन सिस्टम सेना की आर्मरी में शामिल कर फ्रांस में बनी मिलन 2T और रूस निर्मित कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पुराने वर्जन को हटा दिया जाएगा। और तलब है कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। MPATGM मिसाइल सिस्टम की किसी भी मोर्चे पर तैनाती दुश्मन की आर्टिलरी को नाकाम करने में सक्षम है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।